बच्चों लास्ट क्लास के ही चीजों को डिस्कस किया जाएगा। मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे 32, 34 एंड 36, ठीक है ना, 32, 34 एंड 36। तो अब मुझे बताओ आपने उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए और कौन कौन से आप लोगों को डाउट है। मैं सबसे पहले आज की क्लास में आप लोगों के साथ डाउट डिस्कस करूंगा अपनी लास्ट क्लास के होमवर्क का, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज का हमारा न्यू टॉपिक। हाँ बच्चों, वो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही है। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत बड़ा है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम में। इसमें बच्चों पहले तो ये अपना खुद का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसमें छोटी छोटी चीजें ये चेंज कर रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। चलो तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, 32 जो मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको करते हैं सॉल्व। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2, 3:2, 2:2, 2:3। सी ब्रॉट रुपीज 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फुल स्टॉप। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स फॉर द सेम। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें जो जो चीजें बोल रखी है वो कर दो, प्रीमियम लाने की एंट्री और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री और विड्रीव करने की एंट्री। तो ये लीजिए, प्रीमियम लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। बच्चों कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपीज, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 1,50,000, तो टोटल कितने लेके आया, 3,50,000, ठीक है। ये एंट्री तो आती है, ये तो प्रीमियम लाने की है, अब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ जाओ फिर, अब हमें जरूरत पड़ गई ना, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें ए का सैक्रिफाइस निकालना है और बी का निकालना है। बच्चों ए का ओल्ड रेशियो है 3:2, यानी 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2:2, 2:3, यानी बच्चों 2/7 एंड 2/7। एलसीएम ले लो, 5 और 7 का बच्चों 35 आएगा, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, -7 5 5 2 जा 10, तो ये आ गया बच्चों 11/35। एलसीएम ले लो 35, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, -7 5 जा 5 2 जा 10, तो बच्चों 4/35। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया ए और बी का 11:4, ठीक है। क्योंकि बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ न्यूमिनेटर को लिखा जाता है 11:4। तो 2 इज कैपिटल 2 बी इज कैपिटल। बच्चों 1,50,000 को आप इनके रेशियो में बांट दीजिए 11:4 में, तो 1,10,000 एंड 40,000, ठीक है। ये देखिए, नहीं तो यहां देख लीजिए बच्चों, 1,50,000 में ए का शेयर 11 है और टोटल शेयर कितना है 15 है, तो 15 बन जा 15 और 11 10 जा 1,10,000, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन में ये एंट्री तो कंपलसरी, पर ये उसने बोल दिया है, कह रहा है हाफ ऑफ देयर शेयर, जो उनका शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसका हाफ वो फर्म से विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। तो ये लीजिए बच्चों, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, अरे सॉरी कैश टू कैश। बच्चों इसका हाफ 55,000, इसका हाफ 20,000,
टोटल कितना विड्रॉ करके ले गए 75,000। ये था क्वेश्चन। अब मुझे समझ नहीं आया आपको डाउट क्या था। अगर डाउट नहीं था तो बहुत ही बढ़िया, आप बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही है, प्रॉपरली कर भी रहे हो उसे। चलिए तो ये क्वेश्चन इजी था, अकॉर्डिंग टू मी इजी था, बट मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया था बाय चांस आप में से किसी को डाउट होता तो फिर दिक्कत आती ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये लीजिए, अब देखते हैं जरा, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। होमवर्क का बच्चों 34, ठीक है, 32 तो हो गया, तो होमवर्क वाला ही 34 डिस्कस करूंगा। देखो 34 क्या टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 फुल स्टॉप। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही टेक 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1 lakh। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अरेंजमेंट। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन कर लो जो मैं बोल रहा हूं, सारा खेल इस वाली लाइन ने ही किया है। क्या है वो लाइन, देखो क्या रहा है, सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। भाई अपने शेयर का 60%, भाई जो भी उसका शेयर बन रहा था फर्म की गुडविल में उसे पूरा लेकर आना था ना, पर वो लेकर आ रहा है सिर्फ 60%। सिर्फ ये लाइन को आप डील नहीं कर पाए जिनसे ये नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसी पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, दो पार्टनर हैं ए बी जिनका रेशियो है 3:2 और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप लोगों को डायरेक्टली गिवन है। कैसे, क्योंकि केस 2 लग रहा है ये, तो उसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1/6 तो ए दे रहा है और 1/12 ये दे रहा है, तो आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो डिनोमिनेटर को काटना होता है। पर डिनोमिनेटर काटने से पहले बच्चों हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो ये लीजिए, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2/12 और ये हो गया 1/12, ये काट दो तो 2:1 आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल, भाई फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है बच्चों 1 lakh rupees, ठीक है, ये फर्म की गुडविल है। तो जो नया पार्टनर आया या सी का शेयर, तो सी शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल यानी प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहा हूं मैं, सी शेयर या प्रीमियम फॉर गुडविल सेम ही बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना बच्चों, सी का शेयर या प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 lakh में सी का शेयर कितना है भाई, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर, तो बच्चों फर्म की गुडविल इसके हिस्से की गुडविल बनी 25,000, इसके हिस्से की गुडविल कितनी बनी 25,000। अब सी क्या कह रहा है कि मैं अपने शेयर का, भाई उसका शेयर 1 lakh में 1/4 तो उसके हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल बनी 25,000, पर वो कह रहा है मैं अपने शेयर का सिर्फ और सिर्फ 60% लेकर आऊंगा। ओहो ये दिक्कत है, 60% यानी बच्चों 15,000 सिर्फ ये लेकर आ रहा है। अब उसका शेयर तो बन रहा है 25, पर वो लेकर आ रहा है कैश में 15,000, तो शॉर्ट कितने का आ गया बच्चों 10,000 का। बस यही तो आप लोगों को डील करना सीखना है बच्चों, अपना जो हिस्सा था उसका वो 60% लेके आ रहा है बस, ठीक है। तो चलिए लेकर आने की एंट्री करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट की करते हैं, जो लेकर नहीं आ रहा है उसको छीनने की एंट्री करते हैं। ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बच्चों 15,000 तो लेकर आया ही है कैश में। चलिए सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल
टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो बच्चों ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है बच्चों. इनका क्या है 2:1 ये वाला, ठीक है ना. डिनोमिनेटर तो काट ही देते हैं, तो 2:1 में 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना. बट इसका हिस्सा तो 25 था, ये लेकर आया सिर्फ 15, तो शॉर्ट है 10. 10 का हम लोग क्या करते हैं भाई, इसकी कैपिटल से छीन लेंगे. सीज करंट अकाउंट. बच्चों मैंने करंट अकाउंट क्यों यूज किया है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट गिवन नहीं है, है ना. क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लिखा कि कैपिटल कितने लेकर आ रहा है, तो हम करंट अकाउंट से छीनते हैं उस सिचुएशन में 10,000. अब बच्चों ये 20,000 को बात दो, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 8333. तो आप लोग बांट लेना इसे रेशियो में, कौन से रेशियो में बांटा मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 2:1 था, वो हमने वहां पे कैलकुलेट किया. तो ये बच्चों मुझे नहीं लगता ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि आप ना कर पाओ. हाँ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज को डील करना था कि वो कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 60% लेके आ रहा हूं. तो भाई अपने शेयर का 40% कौन लाएगा, तेरे से ही लिया जाएगा उसके कैपिटल से छीन के, ठीक है ना. तो बच्चों ये भी आप लोगों का हो गया करेक्ट. अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया है. चलिए तो होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से नहीं हुआ होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं. कुछ बच्चों ने इसे जरूर कर लिया होगा, क्योंकि वो पूरे डेडिकेशन से लगे रहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हो रही है, सर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उन्होंने सब अप्लाई कर दिया, ठीक है ना. चलो तो इसको रब करता हूं और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 36. आप लोग तब तक उससे पहले एक बार रीड कर लो. चलो 36 डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ. सर 36 क्या टफ है, नहीं नहीं, आप लोगों तो कराया तो है इससे पहले, कैसी बातें कर रहे हो भाई, टफ नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है. उसमें बोला क्या गया है जरा वो देखते हैं पहले, फिर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि इजी ही था ये. बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, और ये आप लोगों का होमवर्क का डाउट था. चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आप पता चल जाएगा कहां गड़बड़ी कर देते आप लोगों को खुद भी, ठीक है. देखो जरा क्वेश्चन. ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. टू न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड एंड नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:2:2:1. डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. ओहो इसलिए आप लोग गड़बड़ कर गए क्या बच्चों. दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, डी एंड ई. डी तो दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे पैसा, पर ई नहीं दे रहा है, ठीक है ना. ई कह रहा है मैं नहीं लेके आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मत लेकर आ, तेरी कैपिटल से छीन लेंगे, ठीक है. आगे बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता हूं, पर एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करेगा एग्जाम. इस क्वेश्चन में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ठीक है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलने के बाद तुम्हें आधी चीजें खुद ही पता चल जाएगी कि ये क्वेश्चन में क्या यूनिक था, ठीक है. ये सिखा रखा है वैसे मैंने आप लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट में, ठीक है. चलिए तो बच्चों ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं पहले. ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है बच्चों. ए बी सी ये बच्चों हमारे ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर के क्या हैं, 5:4:1. ये लीजिए 5:4:1. बच्चों इन्होंने दो पार्टनर एडमिट कर लिए एक साथ, बस ये यूनिक है इस क्वेश्चन में. आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा अभी तक, आप लोगों ने क्या देखा है कि हर क्वेश्चन में एक पार्टनर को ही एडमिट किया जा रहा था. कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक हो दो हो तीन हो, हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है वही चलेगा, ठीक है ना. और इनका न्यू रेशियो है बच्चों, इनका न्यू रेशियो है 3:4:2:2:1. 3:4:2:1:1. ठीक है,
2:1 ये लीजिए, ये इनका बच्चों न्यू रेशियो। तो मैंने कहा ना ये क्वेश्चन तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली एंट्री प्रीमियम लाने की और दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो कर दें, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के पता चल जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है। ये लीजिए पहली एंट्री बच्चों प्रीमियम लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल। बच्चों ये दोनों के दोनों पार्टनर, अच्छा ये प्रीमियम किसका है, डी का है, ठीक है ना बच्चों। डी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 90,000 ला रहा है और 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, और ई भी 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो टोटल बच्चों ये आगे 2,40,000 और 60, तो 3,30,000, ठीक है 3,30,000 रुपीज आया। ये पहली एंट्री है और ये प्रीमियम फॉर किसका है, ब्रैकेट में मैंने डी लिखा है, यानी ये डी लेकर आ रहा है, ई तो अनेबल है। ई कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं लेके आ रहा प्रीमियम फॉर गुडविल का, क्वेश्चन में गिवन है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हिस्सा निकाल लेंगे फर्म की गुडविल में उसका और उसके कैपिटल से छीन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकेंड एंट्री होगी बच्चों वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल याद रखना ये डी का है बच्चों, टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो। अब आप लोगों को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे सर जी, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों फर्म की गुडविल भी निकाल लो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल से फर्म की गुडविल निकालना आप लोगों को आता है, ये कौन से पार्टनर की बात हो रही है, डी की। तो लीजिए गुडविल ऑफ फर्म, प्रीमियम फॉर गुडविल और डी शेयर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ डी शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ डी शेयर, क्योंकि डी लेकर आ रहा है ना 90,000 और डी का शेयर क्या बच्चों 2/12, 12/2 रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो फर्म की गुडविल निकल कर आ गई, ठीक है फर्म की गुडविल निकल के आ गई, कितनी आएगी ये चलो जल्दी से बताओ, 90,000 × 12/2 ये आ गया बच्चों 5,40,000। ये तो फर्म की गुडविल आई है, ये क्या आई है बच्चों फर्म की गुडविल आई है। हमें तो ये भी पता लगाना है ना कि जो पार्टनर लेके नहीं आया उसका शेयर क्या है, तो ई प्रीमियम फॉर गुडविल, ई शेयर इन गुडविल, हाँ ई शेयर इन गुडविल का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल ई के हिस्से की, ठीक है। तो फर्म की गुडविल में उसका शेयर बच्चों 1/12 तो 45,000, यानी उसे 45,000 रुपीज लेकर आने थे, उसे कितने लेके आ रहे थे बच्चों 45, जो कि वो लेकर नहीं आया है, ठीक है ना 54,000 × 5,40,000 / 12 45, जो कि वो लेकर नहीं आया है, यहां तक बात खत्म हो गई। ई से 45,000 रुपीज उसके कैपिटल से छीन लेंगे 45, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सारा काम हमारा सैक्रिफाइस का, पता मैं सारी चीजें क्यों करता हुआ आया, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन की मेन थीम पता चल जाए बच्चों। ये क्वेश्चन में है क्या मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, सॉल्व भी करूंगा। एक तो दो पार्टनर एडमिट हुए, एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, एक नहीं लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको गुडविल पता लगानी होगी फर्म की, जो कि हमने लगा ली। फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि ई का हिस्सा कितना बनता, तो ई का हिस्सा भी निकाल लिया, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल ई के हिस्से की, डी के नहीं ई के हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल है 45, तो वो लेकर नहीं आया तो उसकी कैपिटल से छीन लिया। अब ये सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। अब जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा ना, तो एक पार्टनर गेन कर जाएगा, तो उसको कैसे डील करेंगे वो आप लोगों को आता है। चलिए देखिए जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें निकालना है ए का, बी का और सी का। ये लीजिए ओल्ड रेशियो 5/10, ओल्ड रेशियो 4/10, ओल्ड रेशियो 1/10, ठीक है ना, माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है बच्चों सी का 2/12, बी का 4/12 और ए का 3/12, है ना,
अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। बच्चे 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? चलो 12 और 10 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 5 6 अब तो नहीं कटेगा ये, 5 6 30 32 60 ठीक है ना, तो 60 आ गया एलसीएम। ये लो 10 6 60 6 5 30 12 5 5 3 15 तो ये आ गया बच्चों 15/60। अच्छा इन दोनों का निकाल लो, ये लीजिए एलसीएम आ गया 60। 10 6 60 6 4 24 12 5 60 5 4 20 तो ये आ गया बच्चों 4/20। इनका एलसीएम ले लीजिए 10 6 60 6 1 6 12 5 60 5 2 10 -4/60। ओहो ये तो आ गया नेगेटिव में, मैं तो पहले ही बता चुका था आप लोगों को क्या कर रहा है ये गेन। तो सैक्रिफाइस वाले बच्चों ये दोनों हुए और इनका रेशो डिनोमिनेटर तो काट देंगे, ठीक है डिनोमिनेटर क्या करेंगे इनका काट देंगे, ये 60 ही है सॉरी डिनोमिनेटर तो काट देंगे। तो इनका सैक्रिफाइसिंग आया, किनका सैक्रिफाइसिंग? ए और बी का 15:4 ये इनका सैक्रिफाइसिंग है, डिनोमिनेटर काट देंगे बच्चों। बट सी गेन कर रहा है, यानी ये सारा पैसा 1,35,000 तो मिलेगा ए को मिलेगा बी को, कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग क्या उनका बच्चों? 15:4 ठीक है ना, क्लियर। तो चलो 1,35,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट जो सी गेन कर रहा है तो वो भी तो देगा, तो सी इज कैपिटल, सी भी देगा बच्चों। कितना देगा? फर्म के गुडविल में, फर्म की गुडविल ये रही, फर्म की गुडविल में अपना गेनिंग रेशियो, तो सी का शेयर निकाल लें। चलो सी का शेयर यहां निकाल लेते हैं, सी शेयर कहीं जगह नहीं, चलो यहां निकालते हैं सी शेयर जो आप लोगों को प्रॉपर दिखे बच्चों। फर्म की गुडविल में उसका गेनिंग रेशियो वो कितने से गेन कर रहा है? 4/60 से, तो ये लीजिए 4/60 तो उसका हिस्सा निकलकर आ गया, उसका हिस्सा निकलकर आ गया 5,40,000 × 4/60 36,000। तो ये कितने रुपए देगा बच्चों? 36 देगा, ठीक है ना 36। अब ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनके रेशियो में 15:4 में। बस इस क्वेश्चन को करने का एक एक स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को भी ना इसको इसी तरीके से करना होगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। अगर आपने यहां पे कुछ गड़बड़ी करी, मतलब जल्दबाजी करी, तो होगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को एक या दो बार, इसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसे एक दो बार सॉल्व करना, तब आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो चलो बांटते हैं, ये टोटल पैसा कितना हो गया? 1,35,000 तो यही हो गया प्लस 36, तो 171 को, तो बच्चों 171,000 रुपीज को 15/19 और 1,71,000 को 4/19 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये लीजिए × 15/19 तो इसको मिलेगा 135 और इसको मिलेगा बच्चों 36, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है। तो करने का तरीका ये था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिनर फंसा लेता है आप लोगों को एग्जाम में, ये क्वेश्चन देख के क्या करता है एग्जामिनर? आप लोगों को फंसा लेता है, आप लोग फंस भी जाते हो, कहते हो ओहो ये तो दिक्कत आ गई, हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, प्रीमियम फॉर गुडविल के जर्नल एंट्री से रिगार्डिंग। एक छोटा सा टॉपिक है इसी का ही है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल में ही है वो, तो जल्दी से उसे बस उसके नोट्स लिखवा देता हूं, फिर आप उसे कर लेना, ठीक है ना। तो ये रब कर दो, चलिए रब कर देता हूं ये। चलिए देखते हैं बच्चों हिडन गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हिडन गुडविल क्या होती है ये ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कहेगा नया पार्टनर अपना हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश में लेकर आया है, पर आपको ना तो प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होगी और ना तो गुडविल गिवन होगी। तो बच्चों उस सिचुएशन में हम लोग हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और गुडविल को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है ना।
सर एक मिनट, थोड़ा सा ना हमें डाउट आ रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। बच्चों अभी जैसे था क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि हमें गुडविल गिवन होती थी या प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होती थी, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होती थी तो हम दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट कैलकुलेट कर लेते थे ना। अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी वो दे सकता है जिसमें वो आपको गुडविल देगा ही नहीं और ये जरूर कह रहा होगा कि नया पार्टनर कैश में लेकर आया है। अब आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है ये चीज। अब आप लोग उसमें गुडविल के वैल्यूएशन कैसे करोगे, ठीक है ना, हमें कोई फंडामेंटल्स नहीं दिया होगा वहां पे, तो आपको हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ये हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट क्या, जरा ध्यान से देखो बच्चों। गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लोगे आप, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, जिसको मैं शॉर्टकट में TNCF लिखूंगा, ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा TNCF मतलब बच्चों टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। पर आप लोगों को नहीं लिखना है, नालायक है तुम लोग भी लिख दो, आप लोगों को पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, ऑल, ऑल का मतलब ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है ना। ऑल का मतलब क्या है बच्चों, ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर, ठीक है ना। ऑल पार्टनर कैपिटल यानी ओल्ड भी और न्यू भी, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस। तो बच्चों ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा हमारे गुडविल ऑफ फर्म, और एक बार फर्म की गुडविल आ गई तो प्रीमियम तो हम न्यू ही निकाल लेते हैं। अब बात आई कि टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके। तो हमें जो निकल के आएगा रिजल्ट वो आएगा टोटल न्यू कैपिटल। टोटल न्यू कैपिटल को यहां पे रख के इन सब चीजों को माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है बच्चों, ये आप लोगों का नोट नंबर 6 है, ठीक है ना, ये नोट नंबर 6 है। 5 तक मैं लिखवा चुका हूं तो ये नोट नंबर आप लोगों का 6 है। चलिए अब ये तो हो गया सर, हम इसे नोट भी कर लिया, हम इस पे करेंगे। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं करवा रहा हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो। मैं आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे, जरा ध्यान से देखो मैं आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। देखिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले 38 कह रहा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। They admit Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2012. Charu brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate value of goodwill and record the necessary journal entry. बच्चों ये underline कर लो, ये जो बात बोल रहा है record the necessary journal entry। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये कौन सी journal entry के बारे में बात कर रहा है, हालांकि इसने directly नहीं बोला है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है, कोई रिजर्व गिवन नहीं है, कोई लॉस गिवन नहीं है, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1/4। आप लोगों को कह रहा है कि फर्म की गुडविल निकालो, हमने कहा ठीक है, और कह रहा है इसके रिगार्डिंग ना जो नेसेसरी एंट्री होती है, मैं बताऊंगा नेसेसरी एंट्री कौन सी कही जाती है, चिंता मत करो, पर पहले गुडविल तो वैल्यूट कर लो। तो बच्चों हमें हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, और मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते ना, मेहनत बच जाएगी तुम्हारे सर जी की। चलो तो सबसे पहले बच्चों हमें गुडविल निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, तो टोटल न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो न्यू पार्टनर कैपिटल, तो नया पार्टनर कौन है बच्चों, चारू। चारू कितने कैपिटल लेके आ रही है, 3,20,000, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। और उसका शेयर क्या है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1, तो ये निकल के आ गया बच्चों टोटल न्यू कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 12,80,000। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म यहां पे रख दो माइनस ब्रैकेट ओपन ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल का मतलब ओल्ड पार्टनर भी और न्यू पार्टनर भी। तो बच्चों एक ही कैपिटल, अनिल की कैपिटल कितनी है, अनिल की है 3,20,000,
प्लस सुनील की है 2,40,000 प्लस, ठीक है बच्चों चारू की है 3,20,000 प्लस, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अनिल की कैपिटल, सुनील की कैपिटल, चारू की कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व नहीं है और ना ही लॉस है, तो मैंने माइनस जीरो जीरो कर दिया कि आपको समझ आए। चलिए तो ये हो गया बच्चों 12,80,000 माइनस, इस ब्रैकेट वाले को प्लस करके माइनस कर लो बाहर, तो बच्चों ये आ गया 8,80,000। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, माइनस कर दो 12,80,000 में से 4,00,000 रुपीज, ये आ गई बच्चों फर्म की गुडविल, है ना सिंपल है ना बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों ये आ गई 4। अब हमें बच्चों यहां पे नेसेसरी एंट्री करनी है, ठीक है ना, कि ये गुडविल आ गई हमारी 4,00,000। अब नेसेसरी जनरल एंट्री क्या होगी, आप लोगों को नेसेसरी जनरल एंट्री आती है, ठीक है ना। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन की नेसेसरी जनरल एंट्री होगी कैपिटल लाने की एंट्री। तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है, सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, तो कैपिटल लाने की एंट्री, ठीक है ना। 3,20,000 टू सीज कैपिटल, चारू कैपिटल 3,20,000। सेकेंड एंट्री बच्चों, अब फर्म की गुडविल निकल आई है तो उसका हिस्सा निकाल सकते हो, ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लो, प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म के गुडविल में उसका जो उसका शेयर है 1/4, तो 1,00,000 बच्चों 1,00,000 हुआ इसका शेयर, ठीक है ना। तो 1,00,000 लाने की एंट्री, अब वो लेकर तो नहीं आ रही, तो बच्चों उसके कैपिटल अकाउंट से छीन लो सीज कैपिटल 1,00,000, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल लाने और डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री तो होनी होनी है। तो पहली तो एंट्री हो गई भैया प्रीमियम लाने की, प्रीमियम लेकर नहीं आया पर कैपिटल तो लाया है ना, और सेकेंड एंट्री प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की, पर प्रीमियम तो लाया ही नहीं है पर उसका हिस्सा जरूर बन रहा है बच्चों 1,00,000। तो 1,00,000 को हम लोग उसकी कैपिटल से छीन कर ओल्ड पार्टनर अनिल एंड सुनील को दे देंगे, कौन से रेशो में ये बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, आप लोग धुरंधर हो। हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बच्चों रेशियो का कौन सा केस लग रहा है जल्दी से बता दीजिए, रेशियो का केस लग रहा है बच्चों 1, और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो गिवन नहीं तो हम ओल्ड रेशियो क्या मानते हैं, इक्वली। तो बच्चों यहां पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 आया, क्योंकि केस 1 का शॉर्टकट टिप्स भी लग रहा है, ये लीजिए तो 50 इसको और 50 इसको, क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें, यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को कुछ चीजें करनी है, सर ये समझ आ गया, तो पहले गुडविल निकालनी है, गुडविल निकालने के बाद नेसेसरी जनरल एंट्री, बच्चों नेसेसरी जनरल एंट्री वही होगी प्रीमियम लाने की, हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि कैश में लेकर आ रहा है पर वैल्यू गिवन ना हो, तो भी हम कर लेंगे निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अब वो लेकर नहीं आया है तो कैपिटल से छीन के एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं क्या आप लोगों के साथ, बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। चलो तो ये मैं रख कर देता हूं, ये छोड़ देता हूं, ये भी ये भी ये भी ये भी, अच्छा ये भी वैल्यू छोड़ देता हूं, यहीं पे पुट कर लेंगे ना, हाँ हमारा टाइम बच जाएगा, फॉर्मूला तो लिखा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, चलो 40 डिस्कस करता हूं, ये मुझे सही सा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 40 क्या कह रहा है, फिर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 ईच, यानी बच्चों एक्स की भी 50 और वाई की भी 50,000। दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जेड ब्रिंग्स इन 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। बच्चों अंडरलाइन कर लो, वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना 40,000 का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एज ऑन दैट डेट ऑफ जेड एडमिशन, एडमिशन ऑफ जेड गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द गुडविल। लीजिए बच्चों गुडविल को रिकॉर्ड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
अब हमें सबसे पहले टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल, तो बच्चों नया पार्टनर जेड कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 80,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर क्या है बच्चों 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों गुडविल निकल के आ गए 3,20,000, सॉरी गुडविल नहीं बच्चों, टोटल न्यू कैपिटल आ गए 3,20,000। तो टोटल न्यू कैपिटल 3,20,000 माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल बच्चों ओल्ड प्लस न्यू, तो देखो 50,000 एक्स की कैपिटल, 50,000 वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल 80,000। भाई जेड की तो हमें पता ही है ना, जेड नया पार्टनर कितने लेके आ रहा है, प्लस बच्चों कोई प्रॉफिट, प्लस कोई रिजर्व, माइनस कोई लॉस। तो लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, देखो ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों कोई भी प्रॉफिट, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हो, चाहे कोई गेन हो, वो सब वहां पे ऐड होगा, रिजर्व होगा ऐड होगा, लॉस होगा माइनस होगा। पर बच्चों हमारे क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट गिवन था, ना ही रिजर्व गिवन था, ना ही कोई लॉस, तो रिजर्व और लॉस की जगह मैंने जीरो जीरो कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 3,20,000 माइनस 1,00,000, 1,00,000 50-50, 1,00,000, 1,80,000, 2,20,000, ये लीजिए। तो बच्चों आप लोगों की गुडविल आ गई 1,00,000 रुपए, ये तो फर्म की गुडविल आई है। अब इसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल दो और बच्चों नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर दो, कर लोगे ना। नेसेसरी जनरल एंट्री क्या होगी भाई, कैपिटल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 80,000 और दूसरी एंट्री होगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल की, पर वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर नहीं आ रहा, फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा निकाल लोगे भाई, फर्म की गुडविल है 1,00,000, उसका शेयर आया 1/4 यानी बच्चों 25,000। तो 25 छीनने की एंट्री, जेड कैपिटल टू एक्स टू वाई, जेड की कैपिटल से छीन ले 25। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों रेशियो का कौन सा केस लग रहा है, तो रेशियो का केस वन ही लग रहा है, बट ओल्ड पार्टनर के रेशियो गिवन नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो गिवन नहीं, तो हम क्या मानते हैं, इक्वली। तो ये लीजिए इनका एस आर भी आया है इक्वली, तो बांट दीजिए बच्चों 12,500 12,500। याद रखना बच्चों ये दो ही एंट्री नेसेसरी मानी जाती है, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आया वो नेसेसरी जनरल एंट्री बोले तो याद रखना ये दो ही एंट्री करी जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का, और आप लोगों के डाउट्स के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। तो हमारा टॉपिक होता है आज का यहाँ पे खत्म। मैं आप लोगों को बच्चों होमवर्क देने वाला हूं, तो होमवर्क के क्वेश्चन मार्क करो बच्चों। होमवर्क में क्वेश्चन है 37, 39 एंड 41। तो ये आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चन है, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोई आप लोगों को डाउट आएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हिडन गुडविल तो अपने आप में इजी है, बट याद रहे हिडन गुडविल में जो नेसेसरी जनरल एंट्री वो ये दो ही होती है, कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की। पर बच्चों क्वेश्चन में प्रीमियम लेके नहीं आ रहा और बोला भी नहीं गया है, तो हमने कैपिटल से छीन के डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर दी। ठीक है ना गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।